हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th CBSE और ICSE दोनों में ही कॉमन है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से तो आप लोग क्लास 9th में ही फेमिलियर हो गए होंगे। जब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल से डील करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। और यहाँ पर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो उनके आपको फार्मूला भी पता है कि क्या क्या होता है। एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास 3 साइड्स जो हैं उनके नाम है हाइपोटन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, जहाँ पे हाइपोटन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, और जिस एंगल से हम डील करते हैं उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। तो यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब के फार्मूले होते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, साइन ए हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ए है, तो साइन ए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, यानी BC अपॉन AC। ऑलराइट, इसी तरह कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, यानी AB अपॉन AC। टैन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और आपको एक और रिलेशन पता होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टैन ए। तो वहाँ से भी आप देखेंगे तब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आएगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। और इसी तरह कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। सेक ए इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, यानी AC अपॉन AB। और कोसेक ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, AC हाइपोटन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC। तो चलिए इसी फ्लो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ से दो दो फॉर्मूले आपके और बन जाएंगे हर एक से, जैसे कि साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए अगर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑलराइट, इसी तरह सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, चाहे CBSE हो चाहे ICSE। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, इसको हमें प्रूफ करना है साइन ए के बराबर। तो जब भी आप कोई भी ऐसा एंगल देखें जो साइन और कॉस के अलावा हो, तो उन सबको आप साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि कोसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए क्या होता है, क्योंकि टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर साइन ए अपॉन कॉस ए, तो कॉट ए जस्ट उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां पे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां पे 1 माइनस कॉस है। तो अब आप न्यूमरेटर में देख रहे होंगे a प्लस बी है और a माइनस बी, तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, यानी 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a। हमें प्रूफ क्या करना है, साइन a के बराबर। तो यहां पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, पहली वाली साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं ऊपर साइन स्क्वायर ए है, नीचे साइन ए है, तो कैंसिल हो गए, केवल एक साइन ए बचेगा, और यही तो RHS है, यही प्रूफ करना था। तो लिख देंगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, सिंपल था ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू सेक ए, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट मिलने वाला है, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए है, तो हम यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई करा है तो नीचे डिवाइड भी करेंगे कॉम्पनसेट करने के लिए। टैन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए
और नीचे वन प्लस साइन है, वन माइनस साइन है, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर ए है, ऊपर क्या है, वन माइनस साइन ए और कॉस ए। तो क्या नीचे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिखिए इसको वन माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर से यहाँ पे पहली वाली आइडेंटिटी का यूज़ है। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, ऊपर कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास बच रहा है वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इसको पहले तो अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऑल राइट, तो ये साइन ए अपॉन कॉस ए और माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरा कैंसिल हो जाएगा। वन अपॉन कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए। तो sec a आ गया, हमें यही प्रूफ करना था RHS के बराबर। ऑल राइट, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, इसको प्रूफ करना है cosec a प्लस cot a के बराबर। चलिए यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड से ये सॉल्व करते हैं। अब ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट टर्म में है, cos a के फॉर्म में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फिर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड। तो ये वन प्लस cos a अपॉन वन प्लस cos a, ऊपर देखिए तो रूट के अंदर वन प्लस कॉस ए है और रूट के अंदर वन प्लस कॉस ए, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बचेगा, वन प्लस कॉस ए। ऑल राइट, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे क्या है, वन प्लस कॉस ए रूट के अंदर और वन माइनस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऑल राइट, आपको पता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो फिर से आप यहाँ पे देखिए रूट का मतलब वन बाय टू, पावर जो होगी वो वन बाय टू और ये है पावर टू, तो टू और वन बाय टू कैंसिल हो गए, केवल साइन ए बचेगा, यानी वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए कॉस ए के बराबर और कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए के बराबर। ऑल राइट, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए एक बार और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन मैच कर लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपसे क्या कहा था, साइन और कॉस के अलावा जो भी एंगल हो उनको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, आइडेंटिटी वन के बराबर, तो बचेगा ऊपर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको भी अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, एक बार आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा और एक बार आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, वन अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा और वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा भी जा चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में है वन प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सबसे पहले इन सबको साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट फिर से बन रहा है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को पूरा a मान लीजिए और 1 को b, तो a प्लस बी ए माइनस बी फिर से आ रहा है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे आंसर दिखने भी लगा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, बचेगा साइन थीटा, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फिर से कैंसिल हो के केवल 2 बचेगा, जो कि राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, यही प्रूफ करना था। ऑल राइट, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर दिया है और आपको प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 के बराबर है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से देखिए तो आप साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमें पावर यहाँ पे 4 भी लेके आना है, तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, वो कैसे आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना था, सिंपल है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की ये वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।